रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी लखनऊ में हर्ष फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवाओं के सिर पर लगातार असलहों के प्रदर्शन का बुखार चढ़ा हुआ है। हर्ष फायरिंग करते हुए युवक की हरकत कैमरे में कैद हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ से जानकीपुरम थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक, बर्थडे पार्टी की बताई जा रही है वायरल फोटो। जानकीपुरम थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। यूपी दिवस पर आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, अवध शिल्पग्राम में सूफी गायक कैलाश खेर की गूंजेगी आवाज। निरहुआ के गीत भी बढ़ाएंगे कार्यक्रम की शोभा। भक्ति गायक कन्हैया मित्तल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है यूपी आध्यात्मिकता आधुनिकता की संगम है। प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई सीएम ने कहा है, प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, यूपी आत्मिकता आधुनिकता की संगम स्थली सीएम ने कहा, प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट सामने आया है, यूपी आत्मिकता आधुनिकता की संगम स्थली। प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनने के लिए संकल्पित हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, यूपी आध्यात्मिकता आधुनिकता की संगम स्थली सीएम ने कहा है, प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हूं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है यूपी दिवस के मौके पर, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अब 74 साल का हो गया। उत्तर प्रदेश के आज ही के दिन 74 साल पहले उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। बात की जाए तो देश की आजादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस को बदलकर अब उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि आध्यात्मिक आधुनिकता और संगम स्थली का ये प्रदेश है, और साथ ही साथ उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है उस पे कहीं ना कहीं हामी भरते उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि आज प्रदेश भर के अंदर पे उत्तर प्रदेश के 74वें गठन के दिवस के अवसर पे आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बात करें तो राजधानी के लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में यूपी महोत्सव का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे बात की जाए कला, चाहे बात की जाए कौशल, चाहे बात की जाए हर एक क्षेत्रों के आज गणमान्य वहां मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे
गाने के गायक जो कि 2022 चुनाव में काफी सुर्खियों में है, कन्हैया मित्तल वो आ रहे हैं, साथ ही साथ कैलाश खेर आ रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कि ऐसे कई सारे कवि और सिंगर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश की अलग अलग उत्पादों को और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उसको प्रदर्शनी के तौर पर और शिल्पग्राम में रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी तो योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो आज गठन दिवस है उसको पूरे हर्ष के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। शहर के कई इलाकों में बिजली संकट आज रहेगा, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोमती नगर समेत कई इलाकों में बिजली का संकट रहेगा। पोलन उपकरणों की रंगाई पुताई करने के लिए आज बिजली बंद रहेगी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। महात्मा गांधी मार्ग गवर्नमेंट प्रेस इलाका प्रभावित रहेगा। पराग डेरी बिजवा हाउस पीडब्ल्यूडी कॉलोनी प्रभावित रहेगी। आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अर्जुनगंज उपकेंद्र के इलाके भी आज प्रभावित रहेंगे। एसटीएफ और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मेरठ से खबर सामने आ रही है। पुलिस की अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। भारी संख्या में बनी पिस्टल बरामद की गई है, दर्जन भर से ज्यादा बनी हुई पिस्टल भी बरामद हुई है। अवैध असलाहा बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए। मौके से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना लिसाड़ी गेट एसटीएफ और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी की है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, मेरठ पुलिस ने और एसटीएफ टीम ने दोनों ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें छापेमारी में थाना लिसाड़ी गेट के क्षेत्र में जब छापेमारी की मुखबिर की सूचना पर एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी संख्या में बने और अधबने पिस्टल बरामद किए हैं। दर्जन मन से ज्यादा ये पिस्टलें थी, कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके तीन साथी अभी फरार चल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये तीन और ये चौथा व्यक्ति जो पकड़ा गया है, जो फरार चल रहे तीन लोग वो और एक जो पकड़ा गया आरोपी वो, चार लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाया करते थे और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस से पहले जो मेरठ पुलिस अलर्ट मोड पर हुई है उसकी अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हिमायू नगर में ये फैक्ट्री चल रही थी। बताया ये जा रहा है कि जिले से अलग अलग बाहरी इलाकों में भी इस पिस्टलों को सप्लाई किया जाता था, काफी उनकी रकम थी, दूर दूर तक ये माल जो है सप्लाई करते थे। बाकी पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है कि अब तक ये कहां से कहां माल पहुंचाया करते थे, कितने रुपए में कि ये माल सप्लाई करते थे, वहीं औजार और ये पिस्टल बनाने की जो सामग्री है वो बरामद हुई है, उपकरण बरामद हुए हैं काफी भारी मात्रा में। जी मयूरी जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में 28 जनवरी तक बारिश के आसार हैं, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश, प्रदेश में कहीं धीमी कहीं तेज हो सकती है बारिश। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नशेड़ी निकला, मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस के सामने नशे में झूम रहा था डॉक्टर। तीमारदारों से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। सीएमओ ने डॉक्टर पर जांच बिठाई है।
थाना सरधना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला बताया जा रहा है। एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होगा। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम की बैठक सुबह 11 बजे होगी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव भी होगा। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामे का आसार। यूपी दिवस पर कल होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री जयवीर सिंह कल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर कार्यक्रम होगा। आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित मंत्री जयवीर सिंह होंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पैदल मार्च किया गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिकंदराबाद में डीएम एसएसपी ने पैदल मार्च किया है। मुख्य मार्गों, बाजार व संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया गया। डीएम सीपी सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। भ्रामक सूचना व माहौल। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पैदल मार्च किया गया है। सिकंदराबाद में डीएम एसएसपी ने पैदल मार्च किया है। मुख्य मार्गों, बाजार व संवेदनशील इलाके में पैदल मार्च किया गया है। डीएम सीपी सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। भ्रामक सूचना व माहौल खराब करने वालों की सूचना देने की भी अपील की है। 26 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गणतंत्र दिवस पर शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। सभी तरह के लाइसेंस पर आदेश लागू। शराब बिक्री करने पर लाइसेंस निरस्त होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने आदेश जारी किया है। बेमौसम बारिश, हल्की बूंदाबांदी शुरू। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 48 घंटे में तेज हवा के साथ बारिश पड़ेगी। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई। फसल पे तो क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बेमौसम बारिश? सरसों पे फूल हल्ला है, इस पे भारी नुकसान है और आलू पे नुकसान है। आलू की फसल में पैदावार में कम होगी और सरसों तो है ही। सरसों का जब सारा फूल हल जाएगा तो सरसों में तो कुछ होना ही नहीं है। सबसे बड़ी हानि सरसों को है। रात से बारिश पड़ रही है तो किस तरह का नुकसान देखने को मिला है? ये नुकसान है जी, ये फरी ना फूलेगी, इसका दाना ना फूले। और जब बारिश पड़ती रहेगी, ठंड पड़ेगी, गर्मी होती तो वे मौसम फूलती। फसल पे तो क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बेमौसम बारिश? सरसों पे फूल हल्ला है, इस पे भारी नुकसान है और आलू पे नुकसान। मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कराएगा SGPGI। स्त्री एवं प्रसूति रोग की भी पढ़ाई कराएगा PGI। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए तैयारी शुरू की गई है। अस्पतालों को समय से दवाई ना देने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 50% से कम आपूर्ति करने वाली कंपनियों को प्रतिबंधित करने की तैयारी की गई है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए होती है दवा आपूर्ति। करीब 170 कंपनियां अस्पतालों में दवाओं की करती हैं आपूर्ति। कई कंपनियां सिर्फ 20-30% दवाओं की करती हैं आपूर्ति। PWD विभाग में गड़बड़ी मिलने पर सरकार सख्त हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी खुद कर रहे हैं निर्माण के कामों की समीक्षा। देरी के मामलों की अनदेखी पर XEN होंगे सस्पेंड। शासन से मुख्यालय को भेजे गए पत्र में जाहिर की नाराजगी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
टेंडर में हुई गड़बड़ी तो अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क निर्माण में देरी होने पर ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार। शासन ने टेंडर नोटिस अखबारों में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी मिलने पर सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी खुद निर्माण कामों की समीक्षा कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं विभागों को लेकर के वो सख्त नजर आ रहे हैं, वह चाहे कोई भी विभाग हो उस पर उनकी पहली नजर है। इसको लेकर के उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर भी एक बहुत बड़ी नाराजगी जताई है और समीक्षा के दौरान उन्होंने साफ यह कह दिया है कि यदि किसी भी रोड निर्माण पर अगर कोई अनदेखी की गई तो संबंधित अधिशासी अभियंता पर सस्पेंशन की कार्यवाही भी की जाएगी। शासन ने मुख्यालय को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर ये नाराजगी जाहिर कर दी है कि जिस तरीके से टेंडर में गड़बड़ी अगर कहीं पाई जाती है तो भी अफसरों पर वो कड़ी कार्रवाई होगी और सड़क निर्माण में यदि देरी होती है तो जो संबंधित ठेकेदार होगा उस ठेकेदार की कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी और ये और जो भी टेंडर की प्रक्रिया है उनको अखबार में भी गजट कराने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिला के जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चीज को लेकर के हर मोर्चे को संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी विभाग के अधिकारियों को पेश कर रहे हैं, उसी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष समीक्षा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और साफ तौर पर यह कह दिया कि यदि किसी भी प्रकार की कोई खामियां पाई जाती है, सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की खामियां होती है तो संबंधित अधिशासी अभियंता पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारी। बेघर लोगों के लिए एलडीए बना रहा 4500 और पीएम आवास। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, बसंत कुंज योजना में हो रहा निर्माण कार्य। आवंटी को अब पीएम आवास के लिए चुकानी होगी अधिक कीमत। पीएम आवास के लिए कीमत में जीएसटी 12% शामिल थी, अब जीएसटी 18% होगी शामिल। 6% जीएसटी के बढ़ने से आवास की कीमत 25,000। बेघर लोगों के लिए एलडीए बना रहा 4500 और पीएम आवास। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसंत कुंज योजना में हो रहा निर्माण कार्य। आवंटी को अब पीएम आवास के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। पीएम आवास के लिए कीमत में जीएसटी 12% शामिल थी, अब जीएसटी 18% शामिल होगी। 6% जीएसटी के बढ़ने से आवास की कीमत 25,000 रुपए तक बढ़ी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।